नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज हम एक टेंडर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टेंडर आपके बहुत सारे टेंडर निकलते हैं, जैसे आइटम रेट का, एक फिक्स प्राइस का, एक परसेंटेज बेस का, तो ये बहुत सारे टेंडर्स आपके निकलते हैं। मैं आज आपको एक आइटम रेट के बारे में, जो टेंडर होते हैं उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं उनको इसके बारे में आइडिया नहीं होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक मेरी वो भी बता देता हूँ कि लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे जानकारी चाहिए, तो आपको अगर जानकारी चाहिए और आपको फ्री में जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, हाय का मैसेज कर दें, मैं उसके अंदर आपको वो चीज़ें भेज दे देता हूँ, जो भी वीडियोज की लिस्ट है वो भेज देता हूँ, और वो आपको आराम से देख करके आप अपना काम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको टेंडर की जानकारी, आपको लाइसेंस की जानकारी, बीओक्यू की जानकारी, बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। अगर दोस्तों आपको मेरे से ही फ़ोन पर जानकारी चाहिए तो मेरी एक सर्विस है, वो आप आराम से ले सकते हैं। किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मैं करता नहीं हूँ, जिसको चाहिए वो लें, जिसको नहीं चाहिए फ्री में देखना है वो अपना टाइम वीडियोज में लगाएं और अपना काम कर सकता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। दोस्तों जो भी हमारा टेंडर निकलता है ये आइटम रेट क्या होता है, आइटम रेट के बारे में ही सिर्फ आज हम बात करेंगे। दोस्तों जो भी टेंडर निकलता है उसके अंदर हर आइटम अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे हमारा रोड का काम निकलता है या बिल्डिंग का काम निकलता है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको मैं रोड का काम ही ले लेता हूँ, क्योंकि छोटी है, छोटी चीज़ें इसके अंदर कम वो आते हैं पॉइंट। इसके अंदर अब अगर हम लेंगे तो एक एक चीज़ को मैं समझाने में आपको आसानी रहेगी। दोस्तों किस तरीके से आइटम रेट पर काम होता है, पहला पॉइंट दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे रोड बनता है तो आपको उदाहरण के तौर पर सबसे पहले रोड में मिट्टी वगैरह, अगर कहीं गड्ढे वगैरह हैं तो मिट्टी ढलाई होती है, या फिर कहीं पे जेसीबी से मिट्टी प्लान की जाती है, या फिर मिट्टी कहीं पे कम ज़्यादा है तो उसको खुदाई की जा सकती है, और उसके बाद में उसमें मोरम वगैरह जो होती है, गिट्टी होती है जो 40 mm की होती है, उसको डालना होता है। उसके बाद में आप उसमें PCC वगैरह करते हैं, RCC करते हैं, रोड ही डालते हैं, या फिर रोड में बिटुमिन्स जो होता है वो डालते हैं, उसकी अलग होता है। तो दोस्तों सारे काम जो होते हैं इनका हर काम का अलग अलग रेट होगा। किस तरीके से होगा, अगर आपकी मिट्टी खुदाई है, वर्क जो होता है मिट्टी खुदाई का, अर्थ एक्विजिशन जो होती है खुदाई का, उसका अलग रेट होता है, भरने का अलग रेट होता है, आपका जो आप PCC करते हैं उसका अलग रेट होता है, आपकी रोड़ी डालेंगे उसका अलग रेट होता है, सरिया बांधेंगे उसका अलग रेट होता है, आप ट्रिमिंग्स उस पर करेंगे तो उसका अलग रेट होता है, अगर कहीं पर साइडों में चिनाई होती है मतलब ब्रिक वर्क होता है उसकी रेट अलग होती है, उसके बाद में उसका पलस्तर करेंगे तो उसका अलग रेट होता है। इसी प्रकार बिल्डिंग के अंदर भी ये चीज़ें अलग अलग होती है। आइटम रेट का मतलब ही ये हो जाता है, जैसे आपने एक आइटम का एक रेट हो गया, बिल्डिंग के अंदर पलस्तर का अलग रेट हो जाएगा, आपका चिनाई का अलग रेट हो जाएगा, रोड़ी ढलाई का अलग रेट हो जाएगा। अब पलस्तर का रेट स्क्वायर मीटर में होता है, ब्रिक वर्क का रेट क्यूबिक मीटर में होता है और स्क्वायर फिट में भी होता है। अगर आपका 4 इंची है तो उसको स्क्वायर फिट में भी लेते हैं, अगर आपका 9 इंची है उसका आपको क्यूबिक मीटर में रेट होता है, और आपकी रोड़ी जो आती है, रोड़ी डालते हैं अलग अलग रोड़ी होती है, उसका अलग अलग रेट होता है, जैसे M20, M10, M15, M25, ये अलग अलग जो रेशो होते हैं रोड़ी के, इनका अलग अलग रेट होता है। तो इसी तरीके से आपको हर काम का अलग रेट होगा, खुदाई का, पलस्तर का, जुड़ाई का, लकड़ी का, पेंट का, पॉलिश का, जो भी काम आपका बिल्डिंग के अंदर आता है, ये सारे काम हर काम का अलग रेट होता है। आपको ज़्यादा अगर इसमें वो देखना है तो आप BOQ जब खोलेंगे
तो बीओक्यू के अंदर भी आपने ये चीजें देखी होंगी, उसके अंदर जो लिखा होता है स्पेशली लिखा होता है, पहले उसकी क्वांटिटी लिखी होती है, उसके बाद में उसकी यूनिट लिखी होती है, उसके बाद में उसका रेट लिखा होता है। हर आइटम का अलग अलग रेट, यानी कि आइटम रेट का टेंडर उसे कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे आइटम रेट जो टेंडर होते हैं वो अलग होते हैं, और टेंडर जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना आइटम रेट के टेंडर पे, आपको पहली बात नुकसान बहुत कम होता है, क्योंकि जो काम करेंगे उसका आपको पैसा मिलता है, और जो काम आपने नहीं किया उसका पैसा आपको नहीं मिलता है। इस तरीके से ज़्यादातर काम आइटम रेट के ही होते हैं। सरकारी रेट के अंदर आपको सारा काम आइटम रेट के अंदर ही मिलता है, उसमें आइटम रेट होता है। अब बहुत सारे काम हैं जिसको एक लमसम एरिया जो हो जाता है कि लमसम में बता दीजिए, तो वो भी होता है, लेकिन वो कम होता है।